दोस्तों सऊदी अरब में अगर आप लोग भी अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और वो लोग अपना फैमिली को वहां पर बुलाना चाहते हैं, उमरा कराना चाहते हैं, विजिट कराना चाहते हैं, अपने पास में रखना चाहते हैं, तो ये चीज बहुत ही ईजी है। पहले होता था मेरे भाई कि लोग मल्टीपल विजिट वीजा अप्लाई करते थे, और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं कि मल्टीपल विजिट वीजा, फैमिली विजिट वीजा जो होता है वो अप्लाई करके अपने फैमिली को बुलाते हैं। और सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने फैमिली को अपने पास बुलाने के लिए, बिना टेंशन का, बिना कहीं पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होगा, और सारे चीज आपका बहुत ही फास्ट होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने फैमिली को अपने पास में बुला सकते हैं। मेरे भाई पहले ऐसा होता था कि फैमिली विजिट वीजा के लिए हम लोग अप्लाई करते थे कंपनी से, कंपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराता था, वीजा मिल जाता था। जब भी वीजा मिलता था तो हम लोग अपना वीजा डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट फोटो किसी एजेंट को दे देते थे, और एजेंट वीजा को स्टाम्पिंग करा करके वो हमारे घर पे कुरियर भेज देता था। लेकिन अभी का डेट क्या है कि अगर आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीजा डॉक्यूमेंट मिलने के बाद फिर से वीएफएस सेंटर का चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कि आपकी फैमिली, आपकी परिवार वीएफएस सेंटर, जो ग्लोबल वीएफएस सेंटर है, वो वीएफएस सेंटर जा करके वहां पर फिंगर देगा, वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, वहां पर पैसा लगेगा, वहां पर फिर आने जाने का टेंशन खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उमरा वीजा अप्लाई करें। अगर आप एक मुस्लिम है तो, अगर आप मुसलमान है, मोमिन है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है कि आप लोग 3 महीने का विजिट वीजा इशू होता है। जैसे कि आपको भी पता है कि अगर मल्टीपल विजिट वीजा भी अप्लाई करते हैं तो जब भी आपका फैमिली सऊदी अरब में आएगा उस दिन से 90 दिन तक ही अपना फैमिली को रख सकते हैं, उसके बाद से आपको वीजा को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या ऑनलाइन एक्सटेंड कर दे या आप एग्जिट एंट्री कराएं, सही है। लेकिन बहुत ज्यादा होता है, 80% लोग क्या करते हैं कि अपने फैमिली को 2 से 3 महीने के अंदर ही फिर भेज देते हैं घर पे, ठीक है। अगर 2 से 3 महीने के अंदर आपको भेज देना है तो फैमिली विजिट वीजा के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, कहीं पर जाएं, 11-12 हज़ार रुपया लगाएं और आपको उमरा वीजा मिलेगा, और जिस दिन उमरा वीजा आपको मिल जाएगा उस दिन से फिर से 90 दिन आप अपने फैमिली को अपने पास में रख सकते हैं, और 90 दिन रखिए, कहीं पर भी फैमिली जाने की जरूरत नहीं है। ई पेपर वीजा मिल जाता है, आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा वीजा निकाल करके, और आप अपने फैमिली को मोबाइल पर भेज दीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, टिकट बुक कीजिए दोनों तरफ का, और पासपोर्ट लीजिए, एयरपोर्ट जाइए, फ्लाइट कीजिए, अपने पास में बुला लीजिए, सबसे अच्छा है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि बोलेंगे नहीं, हम तो फैमिली विजिट वीजा ही निकालेंगे। हाँ भाई, निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपका फैमिली जब जाएगा, ट्रेन का सफर करेगा, ट्रेन में जल्दी टिकट नहीं मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि आपके गाँव के घर के बगल में ही ओपीएफएस सेंटर अकाउंट खोल कर बैठे हुए लोग वहां पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आगे आप लोगों की मर्जी है, ये मेरा सजेस्ट था कि सबसे बेस्ट वे है, अगर आप एक मुसलमान हैं, अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उमरा वीजा पर बुलाइए, सबसे अच्छा है, जल्दी में चला जाएगा फैमिली और कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। सऊदी अरब के कोने कोने भी आप अपना फैमिली को मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, आगे आप लोगों की मर्जी। उम्मीद करते हैं मेरा भाई हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।